तो ये चीज अपना दिमाग में रखना है और इसी के साथ मैं आपको लेके चलती हुआ आपके क्वेश्चन के पास और कृतिका गुड इवनिंग बेटा नूर अजरा हाय हेलो 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 अंजलि कृतिका हलो, भरत ठाकुर तो हाँ यू डूइंग ऑल चलो तब तक सेशन को फटाफट से सभी बच्चे शेयर कर देगा ताकि क्या हो जाए भाई हमारा सभी बच्चों को पता चल जाए जी सेशन शुरू हो गया है मैम का और आप सभी को आना है है ना सबको बता दो एक बार जल्दी से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए हेलो 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 हाय। सेशन शेयर कर दो भाई फटाफट से अपने दोस्तों को और उसके बाद करते हैं हम शुरू हम्म ओके ओके तो लेट्स

फर्स्ट इज डाइसी इनकॉम्पेटेबिलिटी क्लिस्टो एंड बताओ जल्दी से यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाने वाला है कुछ भी नहीं है जल्दी बताओ आपके भरोसे छोड़ रही हूं मैं आज चलो अच्छा कि okay, हमको क्या करना है बनाना है दैट मेक फ्लावर इन वेरिएबली ऑटोगामस व्हाट डज इट मीन ऑटोगामस ऑटोगामस मीन्स सेल्फ फर्टिलाइजेशन बेटा क्या सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है ऑटोगामी ठीक है ऑटोगामस यानी सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा है दैट इज ऑटोगामस कंडीशन और अगर हमको ऑटोग कंडीशन करनी है तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि मेल और फीमेल एक ही टाइम पे मेच्योर हो दूसरा या फिर आपका एक फूल के अंदर उनका क्या हो एक फूल के अंदर वहां पे पॉलिनेशन हो और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा दैट इज क्लिस्टोगिक्लिस्टोगम ऐसे कैसे याद कराया था फिस्ट क्लिस्ट ऐसे याद कराया था ना फिस्ट क्लिस्ट मुठी जैसे बंद होती है ऐसे ही के अंदर फूल बंद होता है जहां पे हा मैं कहूं बहुत ही स्ट्रिक्टली सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है तो आंसर विल बी क्लिस्टो गैमी आंसर विल बी क्लिस्टो गैमी ठीक है गुड इवनिंग एजाज गुड इवनिंग शालिनी गुड 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 हेलो दीपिका बेटा आगे है कॉन्ट्रीवियंस फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन इज फाउंड इन पैनीसैटम इम पैट्राइमूलास थोथरा यस यस ओके इट इज वेरी गुड नाइस वन ये थोड़ा वैसा ही आपको हेट्रो स्टाइली का मतलब क्या होता है ये फ्लावर इज क्लोज बताओ जल्दी से जल्दी जल्दी आज मैं आपको बकायदा पूरा टाइम दे रही हूँ कल मेरे को अभी बोल अभी बोलता है बहुत है आता नहीं है अभी बोल के चला जाता है गायब होता है बोलता है चला जाता है एक दिन तो उसने कहा मैम आप बोलता बहुत प्यारे बहुत प्यारे लगते हो बोलते हुए बट थिंग इज कि आप थोड़ा तेज बोलते हो स्लो बोलो अगले दिन मेरा गला बैठ गया अगले दिन ही जुकाम मुझे हो गया है ना सावर इन्फेक्शन मुझे गले में हो गया है ना अब उसने नेक्स्ट बोला कि मैम आप टाइम नहीं देते हमें आंसर करने का आज मैं आंसर देगा टाइम करूँ आज वो नहीं है आज वो खुद गायब है चलो बताओ जल्दी चल से वॉट विल बी द आंसर बहुत अच्छा आंसर देना है भैया <laughs> चलो अब मैं बता देती हूँ है ही क्या होता है देखो हमारे पास एंथर होता है बेटा यहाँ फिलामेंट होता है यहाँ सिग्मा होता है स्टाइल होता है ओवरी होती है राइट ऐसी कंडीशन होती है अगर मान लो मेरे को क्या कराना है अगर मान लो मेरे को यहाँ पे इनके बीच में सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराना है तो होना ये चाहिए कि लॉजिकली यहाँ से यहाँ पहुंच जाए यानी स्टिग्मा थोड़ा नीचे होना चाहिए मेरा बट होता क्या है हमारा यहाँ पे जो ये स्टाइल का साइज है ये स्टाइल का साइज और यहाँ पे यह फिलाेंट का साइज इन दोनों के अंदर काफी वेरिएशन मिलती है

उन स्टाइल की लेंथ को वेरी कर देता है छोटा कर दिया जाएगा या बड़ा कर दिया जाएगा वो आपका अडेप्टेशन होगा फ्लार का कि स्मॉल स्टाइल जाएगा कि लॉन्ग स्टाइल जाएगा दैट इज और ये ज्यादा देखे जाता है प्राइमूला वलगरिस के अंदर किसके अंदर प्राइमुला? अंदर प्राइमूला के देखा जाता है क्लिस्टोगैमस और क्लोज मिला... अच्छा ओके कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं नूर कोई बात नहीं मैं समझ सकती हूँ मैं भी गांव से हूं कोई बात नहीं है कोई बात नहीं बेटा नहीं आए तो उसके लिए मैं हूं ना आगे देखो मैच द दे कॉलम वन विद कॉलम टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन चुनना है ऑप्शन यहां गिवन है अब बताओ हमको ये बता है ना कि जो मेज होता है वो कैसा होता है मोनोशियस डाइशियस क्लिस्टोग्रोसाइट अच्छा एक तो हमने अभी भी करा है दैट इज दिस प्राइमूला वल्गैरिस राइट प्राइमूला वल्गैरिस हमने अभी भी करा है तो हमको ये पता है डी का हमारा होने वाला है फोर्थ तो डी का पहले हमारा यहाँ पे वन होना है ये वाला तो जो दूसरे वाले इनको हटाओ ये गए हट भाई लो थोड़ा इजी कर दिया है मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा हल्का सा इजी कर दिया है मैंने आप लोगों के लिए अब देखो और क्या होगा अब हमको ये भी पता है कि यहाँ पे क्लिस्टोगैमस कौन सा होना है क्लिस्टोगैमस कौन सा होना है बताओ जल्दी से क्लिस्टोगैमस कौन सा होना है यस yes, कॉमन लिया ये हमारा क्लिस्टोगैमस होना है तो ये हमारा फोर्थ हो गया और हमको ये पता है कि भैया हमारा जो मेज होता है जो हमारा क्या होता है मेज होता है ये मेज हमारा मोनोशियस होता है राइट तो ये हमारा सेकेंड हो गया डेट डेट पाम हमारा आ, कैसा होता है ये हमारा होता है डाइशियस यानी डिवोर्स होता है यहाँ पे कैसा होता है ये डिफोर्ड डिवोर्स यानी अलग अलग प्लांट में होंगे राइट तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाना चाहिए हमारा ये वाला होना चाहिए बी हो जाना चाहिए राइट बी हो जाना चाहिए नॉट ए नॉट ए बिल्कुल भी नहीं या ए डाइशियस ए हो बी हो जाएगा नॉट ए आगे देखो आगे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग लेबल पार्ट ऑफ गाइनोशियम डिटरमाइन द कॉम्पैटेबल नेचर ऑफ पॉलन कॉम्पैटेबल नेचर ऑफ पॉलन कौन दर्शाता है कौन सा पार्ट इधर पी पार्ट है इधर क्यू पार्ट है इधर आर पार्ट है नीचे बिल्कुल एस पार्ट है पी क्यू आर एस

तुम बात कर लो देख लो आपस में पसंद है कि नहीं बात करके देख लो तो तुम क्या मान लो लड़के हैं लड़की बोल देगी कि अच्छा मुझे अपनी शादी के बाद में जॉब करना है तो अगर लड़का कहे हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं तो यू विल सी कि वो बहुत अच्छा आपको लगेगा वो कहेगा नहीं हम लड़कियों से नौकरी नहीं कराते हैं कहते तो मेरे टाइप का नहीं है तो आप लोगों को हम दरवाजे से बाहर फेंक देते हैं ठीक है तो ऐसे वाली कंडीशन हमारी हो जाती है है ना तो यानी कि यहाँ पे जो आपके पॉलन ग्रेन का कंपैटिबल नेचर है लड़की से करनी है तो फीमेल का पार्टी करेगा और सबसे पहले कौन दिखाएगा सबसे पहले हमारा स्टिग्मा करेगा जहाँ पे पहले पोलन ग्रेन गिरेगा तो आंसर विल बी पी आंसर विल बी पी ठीक है चलो आगे चलो आगे है कि पार्ट ऑफ गाइनोशियम विच रिसीव द दॉलन इज कॉल्ड स्टाइल स्टिग्मा ओव्यूल इन ओवरी एक चीज याद रखना हमारा जो स्टिग्मा होता है ना बेटा हमारा स्टिग्मा एक केमिकल रिलीज करता है क्या करता है एक केमिकल रिलीज करता है और ये केमिकल अगर तो मान लो पोलन ने कर लिया अपना अब्सॉर्ब अब्सॉर्ब कहाँ से करेगा वो जाम्पोर से करेगा जाम्पोर से अब्सॉर्ब कर लेगा अगर उसने अब्सॉर्ब कर लिया वो तो हम मान लेंगे कि वो भाई कंपैटिबल है वो क्या है कंपैटिबल है अगर वो कंपैटिबल है तो उसके कंपैटिबिलिटी के रिजल्ट में उसकी खुशी में वो बना देगा पोलन ट्यूब क्या बना देगा पॉलन ट्यूब और ये पोलन ट्यूब पहुंच जाएगी एग तक और हो जाएगा फर्टिलाइजेशन राइट right? अगर किसी को लग रहा है कि हम कैसे बताच करेंगे तो पोलन ग्रेन भी एक थोड़ा सा केमिकल छोड़ता है एज वेल एज हमारा स्टिग्मा भी छोड़ता है दोनों आइडेंटिटी मैच करते हैं मतलब आपने देखा ना मूवीज के अंदर एक नोट फाड़ देता है एक नोट फाड़ के एक उसको एक उसको दे देते हैं है ना फिर वो मिलते हैं तो वैसे दिखाते हैं मैच करते हैं अच्छा हाँ मैच हो गए एक ही बंदा है है ना इसी से मिलना था ऐसे ही आपका पॉलन और स्टिग्मा करते हैं एक केमिकल दूसरा स्टिग्मा रिलीज करेगा एक पॉलन रिलीज करेगा आपस में मैच हो गया कंफर्टेबल हो गया तो हाँ तुम ही हो वही जिसका था इंतजार ठीक है चलिए तो आंसर विल बी ओके, आ सोहन आ, सिंह बेटा मैंने वो कर दिया है ऑलरेडी पीडीएफ टेलीग्राम के ऊपर ऑलरेडी मैंने शेयर कर रखा है जैसे यूनिट कंप्लीट होगी, तो इसका भी मैं ऐसे कैसे कर दूंगी एक पेज पे एक क्वेश्चन थोड़ा अजीब रहेगा तो इसीलिए मैंने फुल पीडीएफ आपकी शेयर की हुई डोंट वरी तो आंसर विल बी

लेबल्ड पार्ट कौन से सही तरीके से लेबल्ड है वो बताने हैं अब जिसने ये कर लिया समझ लो कि उसको पूरा एम्ब्रियो समझ में आ चुका है जिसने ये कर लिया तो इसका मतलब ये है कि उसको पूरा का पूरा एम्ब्रियो सही से समझ में आ गया है पहला कह रहा है ए सेंट्रल सेल है हां बिल्कुल सही कह रहा है ए जो है सेंट्रल सेल है कोई दिक्कत नहीं है जी हमारा एग न्यूक्लियस जी हमारा क्या है जी बेटा एग न्यूक्लियस तो नहीं है ये तो पॉलन का न्यूक्लियस है जनरेटिव का न्यूक्लियस है तो ये इधर गलत हो गया फिर कह रहे सी प्लाज्मा मैम्ब्रेन है कहा है सी सी हमारा प्लाज्मा मैम्ब्रेन है चलो ओके okay, मान लेते हैं डी वेजिटेटिव का न्यूक्लियस है अरे बेटा डी वेजिटेटिव का न्यूक्लियस क्यों है Synergyed का न्यूक्लियस है तो ये हो गया फिर से गलत कैसा हो गया फिर से गलत हो गया फिर, फिर कह रहे कि बी एग न्यूक्लियस है बी इज एग न्यूक्लियस वेर इज बी यस दैट इज ट्रू एग न्यूक्लियस है हमारा एफ uh, हमारा मेल एंड एफ इज इज दैट मेल यानी कि हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे बी सेंट्रल सोल ई फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स ई फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स तो ठीक है बट हमारा जो बी बी uh, है वो सेंट्रल सेल बिल्कुल भी नहीं है वो हमारा एग गई आगे ग्रोथ पार्ट ऑफ एक्स एज आपका यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है ये दिस ये एक्स है आपको बताना है ये जो आपका ग्रोथ पार्ट है एक्स का ये कैसा है कीमोट्रोपिक है थिगमोटैक्सी है जियोट्रोपिक है नन ऑफ दीज है अब ये बहुत अच्छा है अब ये बहुत अच्छा है हाँ जी बेटा सचिन यादव आपको ये हेल्पफुल बहुत रहेगा अगर आप करना चाहते हो ठीक है हेल्पफुल बहुत रहेगा अच्छा कीमोट्रोपिक क्या होता है जो केमिकल की तरफ भागे जो केमिकल की तरफ भागे थिग्मोट्रोपिक जो आपका टच की तरफ भागे और जरा जरा टच मी टच मी तच मी टच टच वो वाला मी जियोट्रोपिज्म जो अर्थ की तरफ भागे अब यहाँ पे हमारा फिलीफोम ऑपरेटर्स बेचारा रिलीज करता है केमिकल और उस केमिकल को करता हुआ आता है पॉलन ट्यूब तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे कैमिको कैमोट्रोपिक क्या होगा कैमो क् ट्रॉपिक तो आंसर विल बी कैमो ट्रॉपिक यहाँ पे फिलीफॉर्म ऑपरेटस जो है क्या करेगा फिलीफॉर्म ऑपरेटस जो है बेटा कर देगा रिलीज थोड़ा सा केमिकल क्या कर देगा थोड़ा सा केमिकल ओके गुड इवनिंग गुड इवनिंग आनंद गुड इवनिंग चलो आगे चले देखो आगे गिवन बिलो द इवेंट दैट आर ऑब्जर्व इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइज्ड प्रोग्राम अरेंज इन करेक्ट दल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन पहला कह रहा है कि रीबैगिंग सेलेक्शन ऑफ पेरेंट बैगिंग डस्टिंग पॉलन ऑन स्टिगमा इमेस्क्यूलेशन अगर हमको करनी है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हम चाहते हैं कि ये लड़की वो लड़की ये लड़की जिसके साथ हम कहें उसके साथ शादी करें ठीक है हमारी बड़ी भाई की लड़की है तो हमारी मर्जी से ही शादी करे ये हम चाहते हैं उसकी मर्जी नहीं होनी चाहिए तो उसकी जिंदगी के जितने भी लड़के हैं उन सभी को हम हटा देंगे इमास्क्यूलेट कर देंगे यानी कि रिमूवल ऑफ एंथर कर देंगे क्या कर देंगे रिमूवल ऑफ एंथर कर देंगे ठीक है बट उससे पहले हमको लड़का भी तो देखना है ये जज का है कि नहीं है इसको हटाना है कि नहीं हटाना है किसको हटाना है ये अच्छा लड़का नहीं है इसकी जिंदगी तबाह कर देगा है ना अगर हम लड़का देख रहे हैं अपनी लड़की के लिए तो वो जिंदगी तबाह कर दे ऐसा तो हम नहीं देखेंगे अगर वो उसकी जिंदगी तबाह कर देगा पहले तो उसको सेलेक्ट करेंगे यूज सेलेक्टेड वो खुश हो रहा है ठीक है और उसके बाद लड़की को कर देंगे घर में बंद स्टीरियोटाइप बैगिंग है ना फर्स्ट सेलेक्शन सेकेंड इमास्क्युलेन थर्ड बैगिंग उसके बाद हम निकालेंगे अपनी मर्जी का लड़का दिखाएंगे यानी कि डस्टिंग ऑफ पॉलन ग्रेन यानी कि फोर्थ और उसके बाद दोबारा से रीबैक दोबारा से घर में जाओ शादी करके निकालेंगे तुमको ठीक है यानी कि रीबैक अब हमारा सीक्वेंस देखो यहां पे सीक्वेंस क्या हो गया सीक्वेंस देखो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ पेरेंट यानी सेकेंड 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 फिफ्थ थर्ड फोर्थ फर्स्ट दो पांच तीन चार एक दो पाँच तीन चार एक छेट कलेक्शन ऑफ पॉलन फ्रॉम मेल पेरेंट ये तो मैंने पढ़ाई नहीं बट चलो कोई बात नहीं छ को भी हम एंटर, एंट्री करा देंगे यहाँ पे एंट्री करा देंगे तीन कहाँ हमारा बैगिंग है बैगिंग के बाद कलेक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन ये आ जाएगा छ आ जाएगा पहले यहाँ पे सिक्स फोर वन हो जाएगा ये हो जाएगा बी कोई नहीं छठे वाला तो हमने पढ़ाई नहीं बट कोई बात नहीं स्टिल हमारे पास है इसका भी आंसर कोई पंगाइच नहीं है आगे देखो कह रहा है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन हम्म 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 द पॉलेन ट्यूब यूजअली एंटर द एम्ब्रियो सैक थ्रू थ्रू व्हाट इंटेग्यूमेंट न्यू सेलर्स चैलाजा माइक्रोपाइल चलो बताओ जल्दी से मैं तो क्वेश्चन देख के ही समझ गई थी कि अब तो इसको तो ऐसे आंसर कर देंगे ऐसे आंसर कर देंगे तो हम छोड़ेंगे ही नहीं आंसर को तो है ना कहते ये कोई क्वेश्चन है मैडम थोड़ा वर्जन वर्जन लेके आओ बट मैं ये एनसीआर फिंगर टिप्स वाले थोड़ा इंप्रूव्ड वर्जन तो हमारे बच्चे सोल्व कर रहे हैं इनको थोड़े हार्ड क्वेश्चनोपाइल माइक्रोपाइल जब हमारा ये पॉलन ट्यूब है ये फ्यूज किसके साथ करती है फ्यूज करती है और apparatus. इनके साथ ये फ्यूज करती है और उसके बाद एंट्री कर जाती है एमरियो सेक में और करती है कहां से माइक्रोपाइल एंड से तो आंसर इज माइक्रोपाइल डी राइट आके बहुत गुड शालिनी दीपिका सोफिया एजाज वेरी गुड फ्यूज फर्टिलाइजेशन सिंह फर्टिलाइजेशन बोथ एंड बी बताओ जल्दी से बहुत बढ़िया है ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल ये है शानदार अच्छा मतलब सीधी सी बात है हमारे पास जेनरेटिव होता है ना जेनरेटिव सेल जेनरेटिव सेल से निकलते हैं दो मेल गामिट भाई भाई निकले हैं है ना अब जेनरेटिव सेल के न्यूक्लियस के साथ अगर हम फ्यूज कर रहे हैं तो दैट जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन नो डाउट राइट चलो फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल दैट इज ऑल्सो ट्रू यानी कि बोथ ए एंड बी बोथ ए एंड आंसर विल बी डी आंसर विल बी डी राइट चले Yes, yes, Sophia, you are correct. Muskan, very good. Shalini, Deepika, Ajaz, very good. कोई बच्चा है ऐसा जो paid class का और अभी है यहाँ पे तो please आप share कर दो क्योंकि आप सभी को पता है phone मेरा टूटा पड़ा है तो I can't share. Right? आगे हैं which of the following statement are correct? कौन सी si statement correct है? Endothelium lies below epidermis. इसने तो सही पूछी है and that is true.

हो सकता है कुछ भी हो सकता है इस दुनिया के अंदर इस दुनिया के अंदर कुछ भी हो सकता है अभी मैं यहाँ पे कुछ कहना नहीं चाहूंगी जल्दी से अपना आंसर दो फिर उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बताऊंगी इज इट सो रेफे भी करता है ये तो नहीं करता ना हीलियम होता है वहां पे सो टेक्निकली रोंग दो तो गलत निकल गए तो बचा हुआ ये कहता है मैम हमारे पास ऑप्शन ही दो दो वाले हैं अगर दो आपके पास गलत है तो दो ही बचे होंगे तो आंसर इन्हीं का होगा यानी कि पहला और तीसरे का होगा क्या कर रहे हो हमको मालूम है होता है क्योंकि एम्ब्रियोसेक किससे बनता है मियोसिस से बनता है एमएमसी से बनेगा ना एमएमसी से हमारा मैगा बनता है यानी कि हमारा एम्ब्रियो सेक बनता है तो एम्ब्रियोसेक के अंदर जितनी भी चीजें यहाँ पे होंगी सारी की सारी मियोसिस होने की वजह से सिनर्जिड हो एंटी पॉडल हो या कोई भी हो सारी है इन नेचर राइट तो हमारा ये भी कैसा हो जाएगा Haploid हो जाएगा पहला और तीसरा सही हो जाएगा यानी कि हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा क्या हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा दीपिका स्वराज गुड इवनिंग टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लिया इन डबल फर्टिलाइजेशन इन आंज्यूसम टू थ्री फोर एंड फाइव इट इज वेरी इंटरेस्टिंग वन इट इज वेरी इंटरेस्टिंग वन बहुत शानदार क्वेश्चन है ये जिसने इसका आंसर दे दिया ना मतलब तबाही है वो इसका मैं कुछ नहीं बता रही हूं अभी हाल के टाइम पे अरे भाई मेरे पैरों में क्यों तार उलझी जा रही है यस हीलियम बताओ 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 ओके एक मेलगामीट है जो एग के साथ फ्यूज कर रहे हैं एक एग मेल गैमिट एग एक मेल गैमिट है जो दो पॉलर न्यूक्लिया के साथ फ्यूज कर रहे वन टू थ्री फोर फाइव टोटल कितना हो गया तो आंसर विल बी और जिसने यहां पे शालिनी सुजीत बेटा वाई अंजलि सोफिया वाई थ्री वाई थ्री आई न्यूट आई न्यूट आप ये आंसर करोगे भूल गए चलो गिरा देते है याद। हैं याद पॉलर न्यूक्लिया है दो प्लस मेल गैमिट का न्यूक्लियस एक आपका मेल गामिट प्लस एक आपका एग एक न्यूक्लियस इसका, इसका एक न्यूक्लियस इसका एक न्यूक्लियस इसका दो न्यूक्लियस इसके सिंपल कोई बात नहीं कोई बात नहीं ये वाला ठीक कर दो तुम अभी ठीक है फॉलोइंग इवेंट टेक प्लेस आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन डबल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चीजें होती है पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिगमा है नो पोलन ट्यूब एंटर द एम्ब्रियो सैक नो डबल फर्टिलाइजेशन हो चुकी है यह प्री फर्टिलाइजेशन है मेल गैमिटा डिस्चार्ज इन टू एम्ब्रियो सैक इट इज ऑल्सो प्री देन लास्ट वाला करेक्ट हो गया PEN, यानि कि हमारी ने बोला भी नहीं। नहीं, आपका मैंने मैसेज देखा था उपर, या दूसरे का कर रहे हो, ये हो सकता है कहाँ थे भाई आपको पता है ना आपकी मैडम को बहुत याद आती है आपकी है कहा गायब हो जाते हो चलो कोई बात नहीं आगे है ट्रिपल फ्यूजन इन कैपीसेला बुर्सा पटोरिस इज अ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद सिनर्जिड सेकेंडरी न्यूक्लियस एंटीपॉडल सुजीत डी ओके सुजीत ने सही आंसर किया है आई एम नॉट डाउटिंग इट नॉट एट ऑल चलो बताओ किसके साथ होता है हमारा भाई ये ट्रिपल फ्यूजन किसके साथ करते हैं हम ट्रिपल फ्यूजन किसके साथ होता है पॉलर न्यूक्लियाई के साथ ना जब दो पॉलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करते हैं तो वो हमारी बन जाती है क्या सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं सिंपल सर दर्द हो रहा है मैम मुझे भी चलो दोनों आपस में बैठ जाते हैं यहाँ पे एक बार तुम मेरा सिर दर्द दबा देना फिर एक बार मैं तुम्हारा सिर दबा दूंगी ऐसे कर लेते हैं बारी लगा लेते हैं वन बाय वन ठीक है एक्सपोस गया था भंडारी में तुमको भी जाना है दीपिका है तुमको भी जाना है श्रुति मिश्रा वेरी गुड आगे है डबल फर्टिलाइजेशन वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1898 बाय इन बाय इन एंड फ्रेटिलरिया एनलिनियम हम्म आप देखो आगे एक और है ठीक है नवास चिन्ह स्टार्स बर्गर एम आई सी पोके बताओ इनका नाम तो देखो कैसा सा है मतलब ऐसे कौन नाम रखता है यार नवाज चीन स्टार्सबर्ग एम आई सी फोके ये कोई नाम हुआ नाम तो ये होते हैं राम प्रसाद रामचंद्र गजेंद्र धीरेन्द्र धर्मपाल नाम तो ये होते हैं ये कोई नाम है कैसे कैसे से नाम है नहीं याद करने में भी इसे डर लगता है रू काप जाती है मतलब ये क्या आ गया ये कौन सा मंत्र करना है हमको अभी <laughs> है ना चलो चलो बताओ जल्दी से यहां पे आप क्या करें दिया है तो दिखना ही पड़ेगा अलग अलग से नाम है आंसर विल बी नवाज चीन नवाज चीन यस वेरी गुड वेरी गुड नॉन गेमर इज बैक जयान शेख वेरी गुड कृतिका वेरी गुड मुस्कान सोफिया बढ़िया 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 अब आपको यहाँ पे बताने स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हमको देखना है यहाँ पे भाई ठीक है आप देख लो कोई बच्चा अगर इस क्वेश्चन को देख के भागता है तो इसका मतलब ये है कि भैया वो जो है दम नहीं रखता है इस चीज का कि वो हाँ बड़े क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो हम टैकल कर लेंगे चलो तो यहाँ पे बात हमारी क्या है यहाँ पे बात है कि टैपेटम

है मतलब पानी से निकल के पॉलन ग्रेन ऊपर वाटर लिली पे आएंगे क्या ऐसा तो नहीं होगा दैट इज रॉन्ग आपका वाटर से नहीं होता ये स्पेसिफिकली वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली वाटर के बहुत अबव होते हैं उसके अंदर डूबे नहीं हुए होते ठीक है तो ये गलत हो जाएगा अब जिसको डाउट है उसको भी मैं बताऊंगी क्यों गलत है आगे द प्राइमरी इंडोसफॉर्म न्यूक्लियस इज ट्रिप्लॉइड दैट इज ट्रू यानी हमारे पास सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट ऐसा है जो गलत है बाकी सारे ठीक हैं फर्स्ट सेकेंड आर इनकरेक्ट नो फर्स्ट सेकंड फोर्थ आर करेक्ट थर्ड इज इन करेक्ट ये करेक्ट आंसर अब देखो जिसको ये लग रहा था कि वाई वोटर लिली मान लो ये आपका पानी है आज ब्लू है पानी 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 और दिन भी है कैसा सानी सानी चलो अब यहां पे मेरा वोटर लिली ऐसे है वोटर लिली वॉटर लिली ठीक है यहां से मेरा वाटर हाई सिंथ है ये ऐसा ठीक है अब मुझे ये बताओ प्यारे बच्चों क्या पोलन ग्रेन यहां से क्या पोलन ग्रेन यहां से उड़ के यहां पे ऐसे आएगा उड़ के यहां पे ऐसे आएगा नहीं ना ये बहुत ऊपर है वाटर लेवल से क्या है बेटा ऊपर है तो इसीलिए ये चीजें नहीं होंगी है ना इसीलिए वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली मार्क कर लो लिख लो नोटबुक में पेपर में आएगा वाटर लिली वाटर वॉटर के अंदर कभी भी वाटर पॉलिनेशन नहीं होगा हालांकि आपके प्लांट है फिर भी नहीं होगा रीजन बीइंग क्योंकि वो आपके पानी के लेवल से काफी ऊपर देखे हैं ठीक है चलो चलो यस यस मैंने पढ़ाया था मुस्कान yes, चलो, याद तो है आप सभी को धन्य हुई मैं धन्य हुई मैं इस जीवन से कि भैया चलो मेरे बच्चों को याद है कि मैंने क्या पढ़ाया था आगे गए मिल्क ऑफ टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट फर्स्ट ठीक uh, है एंड सराउंडिंग वाइट कोकोनट मील रिप्रेजेंट सेकंड तो आपको बताना पहला क्या है सेकंड क्या है पहला है सेलुलर एंडोस्पर्म सेकंड है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ठीक है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म सेलुलर एंडोस्पर्म ओके हेलोबियल एंडोस्पर्म सेलुलर एंडोस्पर्म फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म हेलोबियल एंडोस्पर्म बताओ जल्दी से अब जिसने ये बता दिया तो मार्क्ड मैम ओके गुड अंजी अंजी वेरी गुड अब देखो हमको ये पता है ना कि सबसे पहले जो हमारा वाटर वाला होता है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पम होता है जब फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पम्प के अंदर वॉल बन जाती है तो इट बिकम टू जो हम साइड की मलाई खाते हैं ना साइड की मलाई खाते हैं दैट इज सेलुलर एंडोस्पम्प है ना, ना? यानी कि सेकेंड वाला व्हाइट कोकोनट सेलुलर एंडोसपम्प सेल बने हुए आपके ठीक है इनको हटाओ ये वाला है उसके बाद जो आपका वन वाला लिक्विड होता है वाटर होता है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पम होता है क्या होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पम होता है यानी कि हमारा आंसर जो होगा बेटा यहाँ पे बी हो जाएगा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा आपको ये नहीं करना आए छी मतलब हम एंडोस्पम खा रहे हैं एक तरीके से मेल का स्पम खा रहे हैं नहीं इट्स नॉट मेल का स्पम्प इट्स नॉट मेल का स्पम हाँ इसके अंदर एक मेल गैमिट है प्लांट का मैं मानती हूँ बट इसका मतलब ये थोड़ी कि पूरा ही स्पम है ह्यूमन का स्पम थोड़ी है प्लांट का खा लेंगे की फर्क पैदा नहीं ठीक है चलो यस यस एक्स बॉस वेरी गुड बहुत बढ़िया आगे है कि इन गिवन डायग्राम एक्स रिप्रेजेंट यहां पे हमारे पास एक एक्स गिवन है यहां पे ये ठीक है इसने पूछा है कि ये क्या है एक्स क्या है सेलुलर एंडोस्पम न्यूक्लियर एंडोस्पम्डो बताओ जल्दी से बताओ जल्दी से इजी है ये जो बीच में सेल है बीच में न्यूक्लियस है डिवाइड कर रहा है और ये बहुत सारे अभी न्यूक्लियस तैर रहे हैं ये हमारा न्यूक्लियर एंडोस्पम है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पम है बेटा इट इज न्यूक्लियर एंडोस्पम राइट चलो बी हो गया आंसर हमारा यहाँ पे आगे है सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एंडोस्पर्म टाइप एंडोस्पर्म टाइप का करेक्ट ऑर्डर हमको चुनना है सेलुलर हेलोबियल एंड फ्री न्यूक्लियर एंड हेलोबियल फ्री न्यूक्लियर एंड सेलुलर फ्री न्यूक्लियर सेलुलर एंड हेलोबियल बताओ चलो जल्दी से हां जी कृतिका क्या हो गया क्या रिट्रैक्ट कर लिया क्या बायोलॉजी की मैडम है तो क्या हो गया नहीं क्या हो गया हाँ हाँ बताओ बताओ क्या बात होगी की होया बता दो है मैं बुरा बुरा नहीं मानती बता दो बी नहीं नॉट बी पहले वाला हेलोबियल बनता है प्राइमरी एंडोस्पाम वाला पहले हेलोबियल देन उसके बाद फ्री न्यूक्लियर देन उसके बाद सेलुलर जिसके अंदर वाइट कैडनल बनता है तो इट्स आंसर विल बी नॉट डी नो 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 उल्टा पड़ गए बेटा उल्टा पड़ गए थैंक यू रुतेगा थैंक यू इट्स नॉट मी इट्स यू हुईट नो 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 ना ना करके हाय मैं उत्तर डी दे गई दे गई दे गई जो कि गलत था इट्स चलो ठीक है आप लोगों के लिए होमवर्क आज ये है इट्स होमवर्क आप मुझे बताओगे हेलोबियल एंडोस्पम क्या होता है ये आप लोगों का होमवर्क है यस इट्स योर होमवर्क कल पूछती हूं मैं ये चीज आगे गई

आज तो मौज कर रहे हो तुम सभी क्या बात है बताना जरा कितना हो जाएगा ट्वेंटी फोर एंडोस्फॉर्म सेल हमारा होता है ट्रिप्लॉइड थ्री एन थ्री एन इज इक्वल टू अगर मेरे को n करना है तो ये क्या हो जाएगा ट्वेंटी फोर बाय थ्री अच्छा देखो मेरे को ना हिंदी के अंदर पहाड़े आते भाई देखो बात ऐसी है मैं रही हूँ हिंदी मीडियम की छात्रा छठी कक्षा तक पांचवी कक्षा तक मैं कहूँ

सात एक आठ आठ दो सोलह आठ चौबीस आठ पे ना हाँ मेरा मैथ वीक है बट इतना भी वीक नहीं है है ना तो एन इज इक्वल क्योंकि आपकी रूट तो सिक्सटीन होनी है हालांकि आप लोगों ने मेरे से जल्दी आंसर दे दिया क्योंकि आप लोग अभी नए हो मेरा तलाक को बहुत टाइम हो गया है मैथ से है ना मेरे मैथ को तलाक हुआ आ, मैथ ने कब तलाक दिया था मेरे को मैं जब बारहवीं क्लास में थी मतलब आठ नौ साल हो गए नौ आठ नौ नौ दस साल हो गए मैथ से तलाक लिए तो मेरे को फिर भी थोड़ी बहुत उसकी आती है कैलकुलेशन क्योंकि रुपए होते हैं ना तो उधर कैलकुलेशन सीख लेते हैं बाकी तो मेरे को कहीं अच्छा लगता मेरे को मैथ एक ही जगह अच्छा लगता है बस ये करने में न बाकी कहीं नहीं अच्छा लगता चलो

चलो हम देखें हमको पता है कि हमारे पास बेटा ट्रिप्लॉइड होता है एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड कंडीशन के अंदर 24 क्रोमोसोम है तो हैप्लोइड कंडीशन के अंदर कितने होंगे हैप्लोइड कंडीशन के अंदर सीधी सी बात है 24 बाय कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा यानी कि एट हो जाएगा बट अगर मैं बात करूं आपकी बाकी के जितने भी सोमेटिक सेल है डिप्लोइड के अंदर कितना हो जाएगा डिप्लोइड के अंदर 8 into 2 हो जाएगा यानी कि 8 into 2 यानी कि 16 हो जाएगा अब यहाँ पे हमसे मेल गैमिट पूछा है मेल गैमिट यानी कि हमारी हैप्लोइड कंडीशन पूछी है दैट इज 8 तो आंसर इज 8 द आंसर इज 8 राइट फिल किंग मैन खुद मैथ को तलाक दे दिया अरे कोई कोई बात नहीं मैं समझ सकती हूँ अच्छा लग रहा होगा छोड़ के <laughs> कहते कि uh, मेरा और मैथ का कुछ ऐसा संबंध है जैसे कि टॉक्सिक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का होता है है ना और तब तक पैसा मिलता है तब तक अच्छा लगता है तो मैथ का सिर्फ एक ही चीज मुझे अच्छा लगता है कि जब सैलरी आती हो मैं चेक करती हूँ वाह सैलरी आ गई इतना स्पेंड करना है इतना सेविंग रह गई दैट्स द पार्ट आई लाइक अबाउट मैथ इसके अलावा यो कुछ भी अच्छा लगता मुझे उसका

है ना हमको कहीं जाना है मतलब कि आ, मान लो कि हम जा रहे हैं कहीं आ, चलो कहीं दूर पहाड़ों पे चल पड़ते हैं पर दूर पहाड़ों में जाने के लिए सबसे पहले हम पैक करेंगे मैगी रीजन खाना ना मैगी चाहिए इसीलिए जब एंडोस्पर्म और अगर मैं जाइगोट की बात करूं तो फूड कौन है एंडोस्पर्म तो पहले किसको पैक करेंगे एंडोस्पर्म को तो पहले कौन मैचो होएगा एंडोस्पर्म बाद में कौन होएगा पहले गाड़ी के अंदर कौन रखते हैं पहले गाड़ी के अंदर हम मैगी भरते हैं तब जाके हम अपनी तशरीफ रखते हैं यानी पहले खाना बाद में जाना है ना पहले खाना बाद में जाना पहले मैगी हम रखेंगे गाड़ी में उसके बाद हम अपनी तशरीफ पहाड़ों पर जाएंगे तो ऐसे ही पहले एंडोसपम बाद में जाएगॉट पहले खाना फिर बच्चा ठीक है तो आपका क्या हो जाएगा एंडोस्पर्म आपका अर्लियर हो जाता है लेटर ऑन आपका जायगोट होता है तो आंसर विल बी बी आंसर विल बी बी मैं भी नहीं पहचान छोड़ रहा हूं ओके okay. uh, अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहा है मैथ ओहती वर्मा तुस्ती बेटा क्या हुआ अच्छा ओ एक बार थोड़ा पीछे बैक जाके समझ लो नहीं आए तो मुझे बता देना आई रिपीट आगे देखो ट्रू एम्ब्रियो डेवलप एज ए रिजल्ट हो इसके लिए जब गॉड खबर आ मैं गई मैं कहाँ से आवाज आई है देखा तो यहाँ पे आईफोन रखा है <laughs> ये भी ठीक है चलो मेरे को फोन मिल गया <laughs> ये भी ठीक है कोई आईफोन छोड़ गया यहाँ पे किसी का फोन भूल गया जिसका मेरे से पहले सेशन था अब इसको मैं ले जाऊंगी ये ये मुझे मिल गया <laughs> <laughs> चलो आगे टू एम्ब्रियो डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ टू पॉलर न्यूक्लियाई ऑफ एम्ब्रियो सेक ठीक है एग ए, ए, एन एग सेल एंड मेल गैमेट सिनर्जीड एंड मेल गैमेट अ मेल गैमेट एंड एंटीपॉडल चलो भूत <laughs> वैसे मेरे साथ बहुत बार होता है मेरा फोन खुद ऐसे गड़बड़ करता है बट आई एम मिसिंग माय फोन इसने बहुत लेट रिकग्नाइज किया मेरी उसको नहीं तो मेरे वाले ना बहुत जल्दी रिकग्नाइज करता है मेरी वॉइस को तब भी तुरंत जवाब देता है <laughs> चलो चलो ले चले तुम्हें चांद पे पहाड़ों में सितारों में आंसर बताओ फिर लेके चलेंगे ट्रू यस ऑफ कोर्स एग एंड मेल गैमेट एग सेल एंड मेल गैमेट बी बी विल बी द आंसर यस एग्जैक्टली चलो आगे देखो फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी इज पी महेश्वरी ये वो वाले महेश्वरी नहीं है जिसको आप समझ जाओ इट्स नॉट संदीप महेश्वरी इट्स पी महेश्वरी स्वामीनाथन ओके okay, आर मिश्रा बटलर बटलर बताओ जल्दी से गुड 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 पी महेश्वरी है तो यही कहते तो कोई बात नहीं पी महेश्वरी ठीक है स्वामीनाथन कौन थे एम एस स्वामीनाथन ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कई बार पूछ लिया जाता है इसके बारे में ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर है ये आगे देखो आइडेंटिफाई ए बी सी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन सी है ये बी है ये दो ए है ये ए तो हमारा होता है प्लम्यूल प्लम्यूल सी हमारा है रेडिकल ठीक है और ये हमारी है रूट कैप और बी हमारा है कॉटिलिडोन तो एबीसी में क्या करना है ए प्लम्यूल बी कॉटिलिडोन सी रेडिकल प्लम्यूल कॉटिलिडोन रेडिकल पहले वाला ही हो गया कहीं जाना ही नहीं है कहीं जाना ही नहीं है

काफी अच्छा है ये इट्स काफी काफी अच्छा प्लम्यूल एंड कॉटिलिडोन हमारे पास एक होता है ना ऐसे ऐसे एक दो ऐसा नहीं तो ज्यादा ही गंदा बना दिया हमारे पास ये है ऑलरेडी ऐसे वाला है ना ऐसे वाला हम कुछ बनाते हैं है ना हमको ये पता है यहां पे प्लम म्यूल है ठीक है यहाँ पे रेडिकल है ठीक है ये हमारे कॉटिलिडोन है थोड़ा गंदा बनाया है मैंने मेरी राइटिंग ऐसी ही है ठीक है अब इसने पोर्शन ऑफ बिटवीन प्लम्यूल एंड शूट एंड कॉटिलिडोन है ना यहां से यहां वाला पोर्शन दैट इज एपिकोटाइल एंड दैट इज हाइपोकोटाइल पूछा ये है तो आंसर विल बी एपिकोटाइल आंसर विल बी एपिकोटाइल बी नो कॉलोराइजर बेटा कॉलोराइजर आपका कहाँ आता है कॉलोराइजा आपका आता है मोनोकोट रूट के अंदर ठीक है यहां पे नहीं आता है गलती ना करें आगे चलो आइडेंटिफाई द पार्ट लेबल्ड एज ए बी सी यहां पर अभी ए है इसको हम कहते हैं स्कूटलम स्कूटलम ये बी बी हमारा है कॉलियोराइजा या कोलियो और डी बताओ जल्दी से यहाँ पे आपको बताना है ये काफ़ी अच्छा है ये बता दो चलो यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा एपी कोटाइल यस एपी कोटाइल ओके okay. आ जाओ भाई हाँ तो क्या है भाई हमारा ये हमारा कोलियोपटाइल और ये हमारा कोलियोराइजा आंसर विल बी स्कूटलम कोलियोपटाइल कोलियोराइजा एंड दैट इज बी दैट इज बी बी हो जाएगा हिंदी अरे राहुल यादव बेटा आप लोगों के लिए ना स्पेशली एक्सक्लूसिवली हिंदी चैनल लॉन्च हो चुका है इसीलिए आपको शिकायत नहीं करनी है आपको बस क्लास में जाना है 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 हिंदी वाले में और वहां पे कर लेना ना है, है मैंने हिंट थोड़ी बहुत बहुत तो आपको बहुत पहले दी थी कि आपके लिए कुछ अच्छा होने वाला है तो फाइनली वो हो चुका uh, है सच्ची है झूठी नहीं है

फिर है मोनोकोट शीट पजेज अ सिंगल कॉटिलिटोरिडोन रि, रिप्रेजेंटेड बाय स्कूटलम तो आपका यहाँ पे तीसरे वाला तो आंसर बिल्कुल सही है कोई भी डाउट वाली बात यहाँ पे है ही नहीं कोई भी डाउट वाली बात यहाँ पे है ही नहीं कि हमारे वाला यहाँ पे तीसरे वाला तो सही है अब दूसरा देखो यहाँ पे दूसरा सही है क्या ऊपर जाके ये इसने सही कहा है कि जो आपका कॉटिलिडॉन से ऊपर वाला तक पोर्शन था ना वो आपका एपिकोटाइल था ठीक है और जो उससे नीचे वाला पोर्शन है वो आपका कौन से वाला है हाइपो वाला इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे ये यह कर दो कि हां जी ये हमारे कॉटीलिडोन है यहाँ पे हमारा ये वाला पोर्शन इसने हाइपोकोटाइल का जो कि सही का है ठीक है सही सेंस कर रहा है ये आपका पहला और दूसरा ये गलत कह दिया इसने पट्टे ने इसने उल्टा बोल दिया हार्ट शेप आपका कब आता है पहले ग्लोबुलर फिर हार्ट शेप उल्टा बोल दिया तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा तो आंसर आपका क्या हो जाएगा बी बी ठीक है चलो कोई cool? आगे चलते हैं आगे कोलियो पटाई एंड शीथ लेबल्ड एज पार्ट एंड रिस्पेक्टिवली पी आर पी एस पी क्यू एंड क्यूपी ये तो हमारा पेरी है एस पे पेरी आर इज आर एंडोस्पम तो आंसर इज पी क्यू पी क्यू ठीक है पी हमारा कोलियोपटाइल है पी इज आर ऑल कोलियो डी इज कोलियोराइजा तो आंसर विल बी पी क्यू सी पी क्यू क्लियर है आगे चलो डैश इज नॉट एन एंडोस्पामिक शीड

पी कोई बात नहीं इट्स ओके okay. इतना दिल पे नहीं लगाती होती ना इन चीजों को लाइक कम है तो दिल पे लग गया हाय तो बाप क्या नींद नहीं आएगी लाइक कम हो गई है ऐसा कुछ नहीं है मेरा ठीक है ऐसा कुछ नहीं है मेरा ठीक है इफ यू वॉन्ट इट इफ यू लाइक डिट देन लाइक द सेशन इफ यू डोंट लाइक मी देन डोंट लाइक द सेशन इट्स ओके फाइन अच्छा मैंने ही बता दिया <laughs> चलो आज की क्लास हम यहीं तक करेंगे कल की क्लास हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे और आपको मैंने एक होमवर्क दिया है मुझे ध्यान है मैंने आपको होमवर्क दिया है हेलोबिल एंडोस्पम के लिए मैंने आपको कहा कि हेलोबियल एंडोस्पम कैसा होता है कब बनता है ये सारी चीज मुझे आपके कल चाहिए होमवर्क में राइट राइट चलो इसी के बेटा राहुल यादव आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सी वालों की कुछ वीडियोज़ मिलेंगी जैसे कि सी क्या है कौन सी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ बनती मिलती हैं है ना ऐसे करके कुछ सेशन मिलेंगे आपको एक नए से सर आपको दिखेंगे ठीक है तो देख लेना है ना चलो तो अभी के लिए गुड बाय हैव अ नाइस डे एंड डू नॉट फर्गेट टू रिमेंबर वन थिंग एंड दैट इज दैट इज दैट इज़ कि अगर आपको काम करना है अगर आप चाहते हो कि मेरा सिलेक्शन हो मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले प्लेसमेंट मिल जाए कॉलेज में ठीक है तो यू हैव टू वर्क इट ऐसा नहीं है मतलब यहाँ पे आ, चल एक मोर अच्छा बस दो पाँच पे शुरू कर लूँगा अरे दो दस पे शुरू करता हूँ अरे दो बीस पे कर देता हूँ अरे थर्टी पे फोर्टी पे फोर्टी फाइव पे थ्री पे सीधा पाँच बजे कल कर शुरू करता हूँ एक महीने बाद शुरू करता हूँ ऐसा नहीं करना ना, ना 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 ऐसा नहीं करना ये बहुत ही यू uh, नो you know, लंबी प्रोसेस हो जाती है आपको लगता है कि ये रील इज अ वेरी नेगेटिव थिंग इन योर यू नो फोन्स इन योर सोशल मीडिया नॉट गुड ऐसे यूट्यूब शॉर्ट्स हम करते हैं इंस्टाग्राम रील्स करते हैं वो स्क्रॉल करने की बजाय ऐसे पढ़ लियो नो पांच मिनट पांच क्वेश्चन और बस आखिरी पांच क्वेश्चन आखिरी दस क्वेश्चन है ये ऐसे करके आप पढ़ के देखो दैट विल गिव यू रिजल्ट ठीक है और वो आपको पे ऑफ करेगा सो डू नॉट फर्गेट दैट ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू एंड थैंक यू सो मच गाइज इफ यू लाइक द सेशन देन डू नॉट फर्गेट टू लाइक द सेशन शेयर द सेशन इफ यू लाइक इट एंड डू ऑल्सो कमेंट डाउन अभी के लिए गुड बाय डे